गाइस, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करोगे। ये भी एक ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये है क्या आपसे कह रहा है कि आपके पास एक हेक्सागन है जिसके अंदर से कुछ करंट जा रही है, मतलब हेक्सागन वायर का हेक्सागन है, उसके अंदर से कुछ करंट फ्लो करके जा रही है। तो आपसे कह रहा है कि हेक्सागन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। भाई आपके पास है ये क्वेश्चन, देख लो, इसको सर्च कर लो। IPUEE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गर्मा गर्म तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये भी एक तरह से एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप सबसे पहले इसकी शेप बनाएंगे। तो आपके पास ये कैसा है, हेक्सागन। हेक्सागन बना लेंगे आप, रेगुलर हेक्सागन। ओ वाओ, हेक्सागन आपने बना लिया। इनकी सारी साइडों को डैश 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 मिला देंगे, मिला दिया आपने ताकि आपको मिड पॉइंट पता चल जाए। तो ये मिड पॉइंट निकल कर आ गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर से करंट जा रही है, तो लेट अस सपोज कि इसके अंदर से करंट आई एम्पियर की जा रही है, और कह भी रखा है इसने कि आई करंट जा रही है, और साइड जो है इस हेक्सागन की वो ए है। तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, ये पूरी साइड ए है, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए होता है, आपको वायर चाहिए होता है, वायर से वो डिस्टेंस चाहिए होती है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये वायर आपके पास, इसका नामकरण कर दो हेक्सागन का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सेक्शन हो गया वायर, बी सी सी डी डी ई और ई एफ, और साथ में एफ ए। तो आपके पास एक तरह से 6 वायर हैं जिनके अंदर कुछ इस तरह से करंट जा रही है, और इनकी वजह से सेंटर ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जरा एक बात ध्यान दो, अगर करंट इस तरह से जा रही है तो मुझे ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं देखूंगा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ओ पर कैसा आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप अपनी कर्ल फिंगर को देखते हैं, इसके डायरेक्शन देखते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर इस वायर ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड में। सिमिलरली बी सी वायर की वजह से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन अपवर्ड में, सी डी की वजह से देखोगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड में, ई डी ई की वजह से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड में। तो जितने भी 6 के 6 हिस्से हैं इस वायर के, सबसे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में निकल कर आएगा। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन 11 सॉल्व किया था, किसी एक वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था स्क्वायर में और 4 से मल्टीप्लाई कर दी थी, वैसे ही यहाँ पर भी आपको किसी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना और 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि 6 साइड हैं। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा सेंटर ओ पर, डायरेक्शन भी एक है ना, डायरेक्शन एक है सबके, तो जुड़ जाएंगे। तो 6 टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किसी एक वायर का। तो आप एक काम करें, किसी एक वायर की वजह से निकाल लें। तो आपके पास ए बी एक वायर है, इसकी वजह से निकालो। तो इसकी वजह से निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस चाहिए जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ओपर चाहिए ए बी वायर से, तो ए बी वायर से ओपर जो डिस्टेंस आएगी वो कुछ ये निकल कर आएगी ए। अब देखो पूरी ये ए है, तो ये कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर आप ए मेंशन मत करो, ये साइड ए दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि ये एंगल कितना होता है पूरा, ये एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री का हाफ कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। सिमिलरली ये भी 60 डिग्री है, जब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 डिग्री निकल कर आएगा। जब ये पूरा 60 डिग्री निकल कर आया है तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये कितना आएगा, अगेन ये भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि पूरा 60 था, 30 30 में डिवाइड हो जाएगा। आप एक काम करें, 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, ट्राइंगल किस तरह का बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको पता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो तीनों साइडें इक्वल होती हैं, जब साइडें इक्वल होती हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आती है √3a/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आती है, √3a/2। तो जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, इट मीन्स ए बी वायर्स है, ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी √3a/2। तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ चुकी है। यहाँ मैं डिस्टेंस को कुछ और कह दूँ, ए कह देता हूँ, ठीक है भाई। तो मेरे पास ए इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो μ0I/4πa बोलते हो ए, लेकिन अब ए ना हो करके √3a/2 चलेगा डिस्टेंस का।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एंगल भी मिल गए, ये आपके पास फाई वन है, ये आपके पास फाई टू है, दोनों एंगल आपको पता है और आपको डिस्टेंस बता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से निकालना है आपको, ए बी, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताए, इसको मैं मिटा देता हूँ। बी वन इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। म्यू नॉट आई ये ऐसे रहेगा 4πa, अब a की वैल्यू रखी जाएगी, ये तो फॉर्मूला था, इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पर जो है a जो है वो ये है, जिसकी वैल्यू रूट थ्री ए अपॉन टू है, रूट थ्री ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल की। साइन फाई वन, फाई वन कितना है 30 डिग्री, अगेन फाई टू कितना है ये भी 30 डिग्री, सही है भाई, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, अब देखो 2 से 4 को काट दोगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट थ्री ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट थ्री ए और साथ में पाई भी। साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2 + 1/2, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट थ्री पाई ए और ये जाएगा 2/2 का मतलब होता है 1, हाफ प्लस हाफ, ये तो 1 हो गया, इसका रोल ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ आपके पास म्यू नॉट आई फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट थ्री पाई ए, ये टेस्ला, डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड को आपको डॉट से दिखाना होता। अब आपने एक वायर की वजह से निकाल दिया, ऐसे ऐसे 6 हैं, तो आप कहोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 6 टाइम्स हो जाएगा बी वन का, 6, बी वन की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट थ्री पाई ए। इसको सॉल्व कर लें, 2 से काटेंगे 6 को तो 3 टाइम चला जाएगा, रूट थ्री से 3 को काटोगे तो रूट थ्री टाइम्स चला जाएगा, तो जो बचा उसको लिख दो वही आंसर है। तो यहाँ समझिएगा रूट थ्री, म्यू नॉट बचा हुआ है, आई बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है पाई ए, तो रूट थ्री म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, देखो यही आंसर है, रूट थ्री म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, तो सॉल्यूशन निकल गया। और सॉल्यूशन कुछ टफ थोड़ी ना है, सॉल्यूशन तो आप वैसे ही करते हुए जैसे आपने सीख रखा मेरे थ्रू, आपको जैसे जैसे सिखा रखा बिल्कुल आप वैसे वैसे करते चले गए, आपके पास आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर किसी को स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकता भाई, वरना वीडियो को दोबारा देख लो, दोबारा देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो मज़ा आ रहा होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है तो। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं जो मेहनती होते हैं, जो नीट में आईआईटी के अंदर कुछ अच्छा उखाड़ना चाह रहे होते हैं, जिनको एमबीबीएस चाहिए, कॉम्पिटिशन पता है आपको कितना हार्ड है, तो भाई आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही होगी शुरुआत से, तो ये शुरुआत है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मज़ा आ जाएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दें।